के निशान को पार कर चुके हैं। 3 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे जहां पर बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। कुछ लोग तो घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब खुद कमान संभाल ली है और ग्राउंड जीरो से जायजा ले रहे हैं। दरअसल साथ ही साथ उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कैंप लगाकर राहत सामग्री बांटी जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। गोरखपुर में लगातार नदियों के बढ़ते जलस्तर और नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है और ऐसे वो नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण कई गांव मैरून हो चुके हैं। तकरीबन दर्जनों ऐसे गांव हैं जो मैरून हो चुके हैं, जहां के रास्ते आवागमन कट चुके हैं और इसको लेकर जिला प्रशासन शासन के निर्देश पर राहत सामग्री बांटने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हो गया है। और ऐसे भी आप देखेंगे कि यहाँ पर बाकायदे पैकिंग कराई जा रही है और यहाँ से जो है राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं कि देखिए इसमें 5 किलो आलू है और आलू के साथ साथ प्लास्टिक है और गैलन है और ये आप देखेंगे जो एक राहत सामग्री का जो पैकेट है जिसे साफ तौर पे आप देखेंगे कि 5 किलो लाई है, भुना चना है, 2 किलो गुड़ है, 1 किलो और मोमबत्ती 1 पैकेट है, जो है माचिस 1 पैकेट, बिस्किट 10 पैकेट है, साबुन जो है 2 का है और उसके साथ ही जेरिकेन का ये पूरा जो है तिरपाल और तमाम जो है इसमें चीज़ें हैं गत्ते के अंदर और से लेकर बाहर तक ये सब रखे गए। ये प्रथम जो है पैकेट है। उसके बाद सेकेंड पैकेट आप देखेंगे कि सेकेंड पैकेट यहाँ पर है और इसमें देखिए आपका क्योंकि ये काफ़ी वजनी है, इसमें आपका जो है आटा है 10 किलो, चावल 10 किलो है, अरहर का दाल है 2 किलो, नमक 1 किलो है, हल्दी जो है 100 ग्राम है और साथ ही जो है नमक 200 ग्राम है, मिर्चा जो है 100 ग्राम है और सब्जी मसाला जो है 1 पैकेट जो है 200 ग्राम है और सरसों का तेल यानी रिफाइंड ऑयल जो है 1 लीटर है। और उसके बाद ही आप देखेंगे कि इस तरह का जो त्रिपाल है ये है, गैलन है, यानी सारा ये जो राहत सामग्री है वो बाकायदे जो है यहाँ पर पैकेट करके और साथ ये देखेंगे आप कि एक जो ये देख रहे हैं कि ये डिग्निटी जो है किट है, इसमें सैनिटरी पैड से लेकर महिलाओं के लिए साबुन, कपड़े धोने के तौलिया, जूती कपड़े और जूते कपड़े के साथ साथ डिस्पोजल बैग और एक मग है, यानी ये पूरा एक किट तैयार किया गया है। इस किट के जरिए जो है यहाँ पर वितरित किया जा रहा है और उसके साथ ये पूरा पैकेट उन बाढ़ राहत सामग्री ले जा करके वहाँ पर देने का काम किया जाएगा। वैसे में यहाँ पर एडीएम एफआर साहब के साथ साथ तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे साथ मौजूद है। सर ये जो पूरा किट आप लोग वितरित कर रहे हैं और एक महिलाओं के लिए भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों में पहुंचाने के लिए, तो शासन की किस तरह की मंशा है और किस तरह से और कितने सामान उन्हें पहुंचाया जाए? जो हमारे बाढ़ प्रभावित नागरिक हैं उन सभी को शासन के मंशा के अनुरूप राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही जो हमारी महिलाएं और किशोरियां हैं उनको अलग से एक डिग्निटी किट का वितरण भी किया जा रहा है। डिग्निटी किट में उनको माहवारी के समय में जिन सामग्री की आवश्यकता होती है वो सभी उसमें रखी हुई हैं और वो दी जा रही हैं। तो हम लोग शासन की मंशा के अनुरूप सभी ऐसे नागरिकों के साथ खड़े हैं और उनको जल्द से जल्द जो भी हमारे शासन के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सहायता है वो सभी प्रदान कर रहे हैं। जो हमारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उन सभी में हम लोगों ने नाव की व्यवस्था करके नाव संचालित करा रहे हैं जिससे कि लोगों का आम जनजीवन और आवागमन प्रभावित ना हो और वो अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चला सकें। इस किट में टोटल कितने सामान है और क्या क्या? जो राशन का किट है उसमें टोटल 18 प्रकार के सामग्री है जिसमें 10 किलो चावल है, 10 किलो आटा है, 5 किलो लाई है, गुड़ है, अरहर की दाल है, चना है, साबुन, माचिस, मोमबत्ती, त्रिपाल, जरीकैन, इस प्रकार के कुल 18 सामग्री है जो जिसका उल्लेख है उस किट पर भी है कि उसमें कितना सामग्री और क्या क्या सामग्री है वो लिखा हुआ है। इसके साथ ही जो डिग्निटी किट है उसमें महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड है और टॉवल है, कपड़े धोने का साबुन है, एक मग है और सूती कपड़ा है, इस तरह की चीज़ें जो आवश्यकता पड़ती है उनको वो सभी इसमें रखी हुई है। आगे और भी जो गांव मैरूड होंगे या अभी तक कितने गांव मैरूड हैं उन सब तक ये सामान पहुंचा दिया जाए? 22-23 गांव हमारे ऐसे हैं जो मैरूड हुए हैं उनमें जिन गाँव में राशन सामग्री वितरण की आवश्यकता होगी और जहाँ पे लोगों को प्रभावित है उन सभी को वितरण कराएंगे। बिल्कुल ठीक है आपने सर, शासन के मंशा पे आप लोग पूरी तरह से गंभीर है, ग्राउंड जीरो पर भी जा रहे हैं, किस तरह से जो मैरून गांव है या जो जरूरतमंद है उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है? जी जिस हिसाब से आप देख सकते हैं अरे अलग अलग तरीके के राशन के पैकेट और डिग्निटी किट वगैरह सरकार इन्हें प्रोवाइड कर रही है और अरे जिस हिसाब से आज जैसे बहरामपुर में वितरण हो रहा है ऐसे ही आगे और भी गाँव हैं जो जो मरून है उनमें भी हम लोग अरे पैकेट वितरण करेंगे और जैसी जो प्रकार की हम लोग के से
सहायता हो सकती है वो हम लोग करेंगे। यानी जिस लेवल तक सहायता होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की वो कर रहे हैं, शासन लेवल पर अधिकारियों के जरिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बाकायदे यहाँ पर देखिए सूची बन रहा है और लंबी लाइन है यहाँ पर आपको नजर आ रही है इन लोगों को, जिन लोगों को ये पूरा किट मिल रहा है हम उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो खुश हैं इस किट को पाकर, क्योंकि जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं लोगों के लिए है, जो लोग परेशान हैं जिन्हें किट मिलना है, चूंकि ये लोग बाढ़ के ग्रस्त एरिया में हैं और ऐसे में इन लोगों को ये राहत सामग्री मिल रही है। ये बताओ कि ये जो बाढ़ ग्रस्त एरिया में जो ये सामान राहत सामग्री मिल रही है वो काफी है, इससे खुश हैं आप? हाँ, हम खुश है। कितनी परेशानी होती है जब पूरा एरिया बाढ़ के ग्रस्त हो जाता है? परेशानी थोड़ा होता है लेकिन क्या करें, बाढ़ आता है परेशानी झेलना पड़ता है। क्या ये जब प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री मिल रही है उससे आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है। क्या क्या मिला अब उसमें? देखे नहीं क्या क्या है, पूरा आइटम रहता है उसमें, तेल मसाला नमक तकलीफ सब रहता है, चावल आटा सब व्यवस्था रहता है। बिल्कुल, आप देखिए कि ये वो सारे सामान है जो एक परिवार को यहाँ पर दिया जा रहा है, बकायदे उस परिवार को यहाँ पर ये किट वितरित किया जा रहा है और ये परिवार जो है ये देखिए लेकर के भी आ रही है, बकायदे इनके पास जो है पन्नी से लेकर के जो राहत सामग्री है आलू वो भी है, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सुनिए, ये आपको जो राहत सामग्री मिल रहा है वो उससे आप लोग खुश हैं? हाँ खुश हैं। क्या क्या मिला आपको? अब इनका इनका क्या 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 है? आटा है, चावल है, दाल है, हाँ ये सब कुछ है, नमक वमक सब है। गांव में पानी आ गया? हाँ पानी भर गया। कैसे आ जा रहे हैं? नाव से। नाव से? हाँ। नाव की व्यवस्था की गई है? हाँ नाव की व्यवस्था की है। खुश हैं आप लोग? हाँ हाँ खुश है। क्या कहेंगे? अरे खुश है तभी बोल रहे हैं, नहीं खुश नहीं रहते तो कहाँ बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए ये लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, ऐसे में जो गांव महरूण हो चुके हैं, जिनके आसियाने डूब चुके हैं, जो उस तरह उसको उनको लेकर के जो जिला प्रशासन की तरफ से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये राहत सामग्री उन्हें वितरित कराई जा रही है और आगे भी इसी तरीके की राहत सामग्री उन्हें वितरित कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।